हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए। जैसा कि आज आप देख रहे हैं YouTube चैनल PigeonHS और मैं आपका दोस्त हुज़ैफ़ा सिद्दीकी, जो आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं। वीडियो में आज आप लोगों को हम दिखाएंगे अपने बेदा कबूतरों का शौक कराएंगे। जो बेदा कबूतर शमीम भाई ने हमको भेजा था, शमीम भाई रेल बाज़ार कानपुर, उन्होंने हमको भेजा था वो पूरा एक पेयर। काफ़ी शानदार पेयर है और बहुत ही अच्छा लेवल का कबूतर है। और एक कबूतर और है जो बहुत ही स्पेशल है, हमें तो लगता है हज़ारों में वो ऐसा कबूतर एक पाया जाता होगा। तो उस कबूतर का आप लोगों को शौक कराएंगे, तो आप लोग हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। एक कबूतर आप लोगों को बहुत ही स्पेशल दिखाएंगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने जो शमीम भाई ने जो एक पेयर भेजा था बेदाग कबूतर का, उस पेयर का आप लोगों को शौक कराते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो पेयर है, ये शमीम भाई रेल बाज़ार में जो है उन्होंने ये पूरा एक पेयर भेजा था। बहुत ही शानदार कबूतर है ये जो मेरे हाथ में है। ये है मेल और ये है फीमेल। इसका इसके दो पट्टे भी हैं हमारे पास, उनका इंशाल्लाह आप लोगों को और कभी शौक कराएंगे। आज आप लोगों को हम पूरे पेयर का शौक कराएंगे और एक और बेदा कबूतर का शौक कराएंगे, जो बहुत ही स्पेशल कबूतर है, वो भी शमीम भाई ने ही भेजा था। तो आप लोगों को सबसे पहले हम नर कबूतर का शौक कराते हैं, उसके बाद आप लोगों को मादा कबूतर का शौक कराएंगे। तो चलिए अब आप लोगों को हम नर कबूतर का शौक कराते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये है बेदा कबूतर नर। यही पूरा जो आप लोगों को जो मेरे हाथ में आप लोगों ने देखा था वो पूरा पेयर है, ये नर कबूतर है। इस पूरा मोमिया चोंच का कबूतर है, देख सकते हैं पूरी गुलाबी चोंच है इसकी। इसकी आंखों का शौक कराते हैं आप लोगों को। आंख देखिए इसकी, बहुत ही शानदार आंख है इसकी माशाल्लाह। जूम करो इसको, इसकी आंखों पे जूम करो, ये देखिए आप लोग। इसकी आंखों में हल्का लालपन है और जो लाल हल्का लालपन होता है जिन आंखों में, वो कबूतर बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूती से उड़ता है कबूतर। जैसे कि ये कबूतर है, इसके हमारे यहाँ जो बच्चे थे दो उड़ रहे थे, बहुत ही शानदार उड़ा उन्होंने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी दिया। और कोई भी मतलब रात भी रह गए एक दो बार तो वो कटे नहीं, वो दोबारा घर ही लौटे हैं कबूतर। काफ़ी अच्छा नर है, देख सकते हैं आप लोग। इसके बगल का शौक कराते हैं आप लोगों को, ये देखिए। परों का शौक करिए, ये देखिए आप लोग, लास्ट के तीन पर देख लीजिए। काफ़ी अच्छा और मुलायम बदन का कबूतर है। इसके पंजे का शौक करिए आप लोग, ये देखिए आप लोग पंजे इसके, ये देखिए ओरिजिनल बेदाग कबूतर। इसके पंजे देख सकते हैं सारे एकदम गुलाबी पंजे, गुलाबी नाखून है इसके सारे, देख सकते हैं आप लोग। ओरिजिनल बेदाग कबूतर है ये, आप लोगों को दिखाते हैं। इसको छोड़ के इसकी बैठक सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाते हैं, ये देखिए आप लोग इसकी बैठक देखिए आप लोग माशाल्लाह। एक सेकेंड, ये देखिए आप लोग इसकी बैठक, देख सकते हैं आप लोग। मेरे हाथ में ये जो बेदाग कबूतर है, ये इससे पहले जो दिखाया था उसकी ये मादा है और ये हल्की सी गर्दन है इसकी। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कबूतरी है, काफ़ी अच्छा मुलायम बदन है। सीना देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी आगे से चौड़ा और पीछे से देख सकते हैं कितनी पतली बनी हुई है। टेल देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी है। तो आप लोगों को इसकी आँख का शौक कराते हैं। इसकी आँख जो है बहुत ही यूनिक आँख है और बहुत ही अलग आँख है। देखिए इसकी आँख, इसकी आंखों को जूम करके दिखाते हैं आप लोग। देखिए इसकी आंख माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आंख है और माशाल्लाह बहुत प्यारा कबूतर है। और रिजल्टेड हैं ये सारे कबूतर, इसके जो मतलब दो पट्टे हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब की बार मई में वो पहली बार उड़ेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा वो मई का भी पता चल जाएगा। वैसे तो ये जो हमने इनको ट्रेनिंग दी थी उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट रह रहा था ये सारे कबूतरों का। इसके बगल का शौक कर सकते हैं आप लोग, ये देखिए बगल इसकी, ये देखिए आप लोग इसके पर देख सकते हैं माशाल्लाह। इसके पंजों का शौक कराते हैं आप लोग, देख सकते हैं ओरिजिनल बेदाग कबूतर हैं। एक भी नाखून देख सकते हैं आप, कोई सा नाखून एक काला नहीं है या कुछ एक काला भी नहीं, सारे गुलाबी नाखून हैं इसके, देख सकते हैं आप लोग। ओरिजिनल बेदागों में ये कबूतर आते हैं। इसकी भी आप लोगों को बैठक दिखाते हैं, हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। देखिए ये पूरा पेयर है, तो सबसे पहले आप लोगों को फीमेल दिखा देते हैं, इसकी जो मादिन है वो दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए बहुत सियानी है, जल्दी से ऊपर भाग गई ताकि इसको कोई फिर से ना पकड़ ले, इस वजह से देख सकते हैं आप लोग। इसको नीचे करते हैं तो ये अपने नर के पास रहेगी। इधर करो इसको, इधर करो, ये इसका नर है। देखिए ये पूरा पेयर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ये पेयर हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में ये जो कबूतर है ये बहुत स्पेशल कबूतर है। जैसे कि आप लोगों को हमने इससे पहले बताया था कि आपको जो कबूतर दिखाएंगे एक लास्ट में वो बहुत ही स्पेशल कबूतर रहेगा। तो इस कबूतर की स्पेशलिस्ट जो इस कबूतर में स्पेशल चीज़ है वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो चलिए अब आप लोगों को इस कबूतर का पूरा शौक कराते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, ये वही बेदाग कबूतर है जो बहुत ही स्पेशल है। मेरे ख्याल से ये कबूतर बेदागों से क्रॉस, मतलब ओरिजिनल बेदाग नहीं है, बेदागों से क्रॉस है। देखिए यहाँ पे इसके सीने पे लाल पत्ती एक है, सिर्फ एक लाल पत्ती, और बाकी इसकी चोंच जो है वो कच्ची पक्की है। इसकी आँखों का आप लोगों को शौक कराते हैं। इसकी जो आँख है माशाल्लाह, ये तो एकदम जैसे कि जो उड़ने वाले कबूतर होते हैं उनमें की आँख है। देख सकते हैं हल्का लालपन है, और हमने आप लोगों से बताया जो हल्के लालपन होता है जिनकी आंखों में, वो बहुत ही मजबूती से कबूतर उड़ते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। इसके पर देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं पर कितने बड़े हैं माशाल्लाह इस कबूतर के। और इस कबूतर की एक मेन खासियत है कि देख सकते हैं आप लोग, इसके जो इसकी दुम से बड़े इसके पर हैं। देखिए ये, देखिए ये दुम है, दुम से बड़े इसके पर हैं। देखिए तो ऐसे कबूतर बहुत कम देखने को मिलते हैं जिनकी, मतलब जिनके पर दुम से बड़े होते हैं। आप अक्सर अपने यहाँ देखिएगा, बहुत ही रेयर केस में ऐसा कबूतर देखने को मिलता है जिसके पर दुम से बड़े हों। देखिए आप लोग है, और पर देख सकते हैं आप लोग जब खोल रहे हैं तो कितने बड़े पर हैं, आप लोगों को अलग से ही समझ में आ रहा होगा। तो माशाल्लाह ये बहुत ही यूनिक कबूतर है। ये भी हमारे शमीम भाई जो हैं रेल बाज़ार के, उन्हीं के यहाँ से ये भी बेदाग कबूतर आया था। और इसके पंजे की शौक करा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके पंजे। और इसके पंजे देख के लगता है कि ये जहाँ का भी था वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा उड़ा हुआ था, क्योंकि इसके पंजे जो हैं थोड़े खुश्क टाइप के पंजे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसको आप लोग बताइए कमेंट्स करके, इसको हम लोग उड़ाएँ या इसको ब्रीडिंग के लिए छोड़ दें। जैसा आप लोग बताएंगे वैसा हम करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्पेशल कबूतर है, बहुत ही अलग टाइप का कबूतर है। इसको छोड़ के इसकी बैठक और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए कितनी तेज़ भागा अपने जाल की तरफ। काफ़ी थोड़े बड़े साइज का कबूतर है, लग रहा निसौरा, लेकिन निसौरा नहीं है, ये थोड़े से बड़े साइज का कबूतर है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए अपने लॉफ्ट में जाने के लिए परेशान हो रहा है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो हमारी पसंद आई होगी।